हम नेटवर्क मॉडल पढ़े थे TCP/IP, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एक छोटा सा पहले कंसेप्ट देख लें, एप्लीकेशन क्या होता है। बच्चे हम जो मोबाइल फोन नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फोन के ऊपर जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या आपके मैसेज के लिए जो ऐप होता है, तो ये सारी एप्लीकेशन होती हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न होता है आपकी एप्लीकेशन के जरिए। आप जब मैसेज टाइप करते हैं, तो आप मैसेज को टाइप करके सिंपल उसका ऊपर एड्रेस लिखकर सेंड कर देते हैं। आपको इससे कोई गर्ज नहीं कि वो किस नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, वो आपका नेटवर्क गाइडेड है या अनगाइडेड है, ठीक उसमें वायर कौन सी यूज की गई है, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं होता। आप सिंपल मैसेज को टाइप करते हैं और उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं जहां पर आपने डाटा सेंड करना होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट का एड्रेस लिखते हैं और डाटा सेंड कर देते हैं। तो जो आप मैसेज लिखते हैं और डाटा सेंड करते हैं, वो काम आपका एप्लीकेशन लेयर का होता है, ठीक। व्हाइल चैटिंग यू आर ओनली कंसर्न विद द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। आपका कंसर्न सिर्फ मैसेज से होता है, नेटवर्क से कंसर्न नहीं होता कि वो आपका नेटवर्क गाइडेड है या अनगाइडेड। अच्छा, गाइडेड और अनगाइडेड में यूज कर रहा हूँ वर्ड। यहाँ पर गाइडेड आप कह लें कि आपका जो नेटवर्क है वो वायर वाला है या वायरलेस है, वायर वाला है या वायरलेस है, तो इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है कि आपका जो नेटवर्क है वो वायर वाला है या वायरलेस है। आप सिंपल मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं। इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन नेटवर्क। आप एप्लीकेशन लेयर में सिंपल मैसेज को टाइप करते हैं और नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देते हैं। अच्छा, अब आप जब नेटवर्क के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका एड्रेस लिखते हैं। सिंपल, अगर हमने कहीं जाना हो तो हमें एड्रेस पता होगा तो हम उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं ना। अगर हमें एड्रेस ही नहीं पता होगा तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप जब मैसेज सेंड करेंगे, तो मैसेज के ऊपर एड्रेस लिखेंगे तो वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाएगा ना, जहाँ आप सेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप एड्रेस ही नहीं लिखेंगे तो वो नहीं जा सकता, तो आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। द एड्रेस ऑफ रिसीविंग साइट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट से पहले आप अपना जो एड्रेस लिखते हैं या रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। जैसे आप मैसेज करते हैं, तो मैसेज करने से पहले ऊपर एड्रेस लिखा होता है, ठीक, उसका फोन नंबर लिखा होता है, उसके नीचे कंटेंट होता है। तो आपको पहले हेडर में एड्रेस लिखना पड़ता है और बाद में नीचे कंटेंट लिखना पड़ता है। ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे से।